सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हेमंत फॉर यू चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट हेमंत फॉर यू। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से आप डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे कि आपका जो पीएम केयर फंड है उसमें आप डोनेट कर सकते हैं, जो आपका कोरोना रिलीफ फंड है उसमें आप डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो बनाया हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम से। तो मुझे वहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछा गया था कि अगर हमें अमेजन पे से पेमेंट करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अमेजन मोबाइल एप्लीकेशन है उससे आप किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपकी अकाउंट डिटेल्स है, जो कि आपका पीएम केयर फंड की जो आपका अकाउंट डिटेल्स है तो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी यूपीआई आईडी यहाँ पर दिया हुआ है pmcares@sbi, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। अमेजन मोबाइल एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर लिया, तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाके उसको अपडेट कर लीजिएगा। तो अपडेट करने के बाद आपको ये ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको डोनेट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डोनेट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। डोनेट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ लेट्स डिफीट कोविड-19 टुगेदर, ज्वाइन द इफेक्ट बाई डोनेटिंग टू पीएम केयर्स फंड एंड अवर पार्टनर एनजीओस, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह से पेमेंट करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसेस हाउ टू डोनेट टू पीएम केयर्स फंड। तो आपको क्या करना है, पहला दिया हुआ है क्लिक ऑन डोनेट नाउ, तो यहाँ पर हमें डोनेट नाउ का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिर दूसरा आपको यूपीआई आईडी फिल करना है, यूपीआई आईडी है आपका pmcares@sbi, यहाँ पर उसने खुद मेंशन किया हुआ है। फिर उसके बाद इंटर द अमाउंट यू वांट टू डोनेट, जो भी अमाउंट आप डोनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अमाउंट फिल करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डोनेट नाउ पर हम लोगों ने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाते हैं कि आप यूपीआई आईडी में फिल करना है या टू बैंक अकाउंट में फिल करना है। तो जैसे कि अगर आप बैंक अकाउंट में फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको देखो बैंक डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। या फिर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पर भी मैंने इसकी बैंक डिटेल्स दे दी है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि अकाउंट नेम ऑफ द अकाउंट पीएम केयर्स है, अकाउंट नंबर आपका ये दिया हुआ है, आईएफएससी कोड दिया हुआ है, स्विफ्ट कोड दिया हुआ है, नेम ऑफ बैंक एंड ब्रांच नेम दिया हुआ है और यूपीआई आईडी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस यूपीआई आईडी को कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि अगर बैंक पे करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है टू बैंक, तो टू बैंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि आईएफएससी कोड हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, और फिर से अकाउंट नंबर हो, यहाँ पर होल्डर नेम हो गया, और प्रोसीड टू सेंड मनी पर आप क्लिक कर देंगे तो इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बैक हो जाता हूँ, यूपीआई आईडी से सिंपल है, यूपीआई आईडी पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको केवल यूपीआई आईडी ही फिल करना होगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा यूपीआई आईडी का ऑप्शन फिल होके आ गया है, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, यूपीआई आईडी मैंने फिल कर दिया pmcares@sbi, ठीक है। वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये वेरीफाई कर लेगा ऑटोमेटिकली। देखो ये हमारा वेरीफाई हो चुका है, तो हम लोगों को क्या करना है, अमाउंट टू बी पेड। तो यहाँ पर मैं पहले ही डोनेट कर चुका हूँ 2 या 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए फिर से यहाँ पर एक छोटा सा अमाउंट पे करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। केवल मैं आपको बताने के उद्देश्य से यहाँ पर पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। आप जितना भी डोनेट करना चाहते हो वो डोनेट आप कर सकते हैं, तो सेंड मनी पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर जो भी आपका यूपीआई होगा तो उसे आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, जैसे कि मैं अपना यूपीआई यहाँ पर फिल कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ₹30 पेड टू पीएम केयर्स, और ये हमारा पेमेंट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया किस तरह से आप अमेजन पे से आप पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई आईडी से, और दूसरा आपका हो गया अकाउंट डिटेल से। तो मैंने यूपीआई आईडी से आपको बताया है, अगर आप अकाउंट डिटेल से फिल करना चाहते हैं तो आप अकाउंट डिटेल से भी फिल कर सकते हैं, सिंपल से मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है, ठीक है। अकाउंट डिटेल्स इसकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक भी मैंने दिया हुआ है, जिससे कि मैंने बताया है कि आप किस तरह से फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको डेली कुछ नया सीखने को मिलता है। थैंक यू।